अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मैं मटन का खोरमा बना रही हूँ, बगारा खाना बना रही हूँ। सबसे पहले मैं अब मटन का खोरमा बनाऊँगी। ये मटन है 1 किलो, 1 किलो दही है, ये मसाला है, मैं इसका पेस्ट बना के रख ली हूँ। इसमें फली, खोपरा, खसखस, प्याज, ये खोटी मिर्च है 1 कट्टा, ये पुदीना है 1 कट्टा, ये हरी मिर्ची है 10-12। मैं इसको अच्छी तरीके से 3 पानी से धो के रख ली थी। आलू को मैं काट के पीसेस बना के धो के साफ करके रख ली थी, और इसको पानी में भिगा के इसलिए रखते कि आलू काला नहीं होना भूल के। ये मीठा तेल है 1 कटोरा, 1 डली प्याज की है, ये गरम मसाला है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, ये 2 चम्मच नमक है। नमक अपने हिसाब से मिला लेना, कम ज़्यादा। चलिए अब मैं मीठा तेल डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी प्याज डाल रही हूँ, ये प्याज ब्राउन हो गए बट मसाले डालते हैं, बता रहा हूँ आप लोगों को। ये अच्छी तरीके से मसाला मेरा भुने गया, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन का। अब मैं मटन डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरा गोश्त अच्छे से भुने के बाद थोड़ा सा गल गया था, मैं इसमें मसाला लगाती हूँ, तो आप लोग मैं बताऊँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा गोश्त अच्छी तरीके से भुने गया है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं मसाला मिक्स कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मैं मसाला मिक्स कर रही हूँ, दही मिला रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा दही और मसाला भुने के बाद मैं आलू डालूँगी, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा कोथिंबीर पुदीना डाल रही हूँ, 1-3-4 हरी मिर्ची डाल, थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं भुने के बाद थोड़ा सा आलू डालूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरा दही भी और मसाला थोड़ा सा भुने गया है। अब मैं आलू छोड़ रही हूँ, ये आलू में भी अच्छे से मसाला भुने जाएंगे और आलू गल जाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छे से भुने चुका है। अभी आलू भी अच्छी तरीके से गल चुका है। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, ये अच्छी तरीके से आलू भी गल चुका है। यम्मी यम्मी खुशबू आ रही है। अब मैं थोड़ा सा पुदीना डालूंगी दम पे, थोड़ा सा कोथिंबीर डालूंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये 3-4 हरी मिर्ची डालूंगी, आप लोग देख सकते हैं। दालचीनी के 2 चकले हैं, ये घर का मसाला पीसा हुआ है गरम मसाला। इसमें इलायची, शाहजीरे का पाउडर बना ली हूँ मैं घर में ही बना के रख लेती हूँ एकदम। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये थोड़ा सा दम पे रखूँगी, जब आप लोगों को बतलाऊँगी। 1-5 मिनट पकने दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं 5 मिनट अच्छे से भुन चुका है मेरा सालन। अब मेरा ये सालन बन चुका है, मैं बंद कर रही हूँ, बगारा खाना पकाने की तैयारी करूँगा। चलिए मैं बगारा खाने का तरीका बतलाती हूँ। ये चावल है, मैं 1.5 किलो है, ये 1 किलो पे 1/2 किलो है। मैं इसको 3 पानी से धो के रख ली हूँ, 1 घंटा भिगा के। आप लोग देख सकते हैं, ये शाहजीरा है, इलायची है, दालचीनी का चकला है, ये मीठा तेल है, ये अदरक लहसुन पेस्ट है, ये नमक पाउडर है, ये 2 डली प्याज के हैं, ये कोथिंबीर है, ये पुदीना है, ये हरी मिर्ची। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये तेल डाल, अब मैं ये प्याज डाल रही हूँ। ये प्याज ब्राउन होने के बाद आप लोगों को बता दें, ये नमक डाल रही हूँ। प्याज ब्राउन होने के लिए जल्दी होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। अब मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, ब्राउन हो गई है अदरक लहसुन थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा कोथिंबीर, थोड़ा पुदीना, हरी मिर्च। ये दालचीनी, इलायची, शाहजीरा,
अभी थोड़ा सा ब्राउन हो गया बस। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं ये प्याज अदरक लहसुन नमक डाल दिया, ब्राउन हो चुका है। अब मैं अदरक डाल रही हूँ, ये मैं जग से डेढ़ जग पानी डालूंगी। आप लोग भी कम ना ज़्यादा अपने हिसाब से डालना, जितना चावल रहे उतनी उतना ही पानी डालना। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा ये अदरक और चुका है। अब मैं इसमें चावल मिला रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरा बघारा खाना भी पक चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको दम दे दूंगी, 5 मिनट के बाद आप लोगों को बताऊंगी। अब ये मेरा बघारा खाना पक चुका है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।